हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आज हम बात करेंगे एडमिशन के बारे में, सेक्शन 17 से लेकर 23 तक और 31, ये एडमिशन की बात करते हैं। अभी आप कहेंगे कि मैंने अभी नीचे बाकी सेक्शन भी लिख दिए हैं, तो क्या बाकी सेक्शन का भी कोई रोल है यहाँ पे? 24 और 30, ये जो आपके सेक्शन हैं, ये स्पेशली एडमिशन की बात करते हैं। 17 एडमिशन की डेफिनेशन देता है। जो नीचे मैंने लिखे हैं, ये मैंने एडमिशन में क्यों लिखे हैं, इसका मैं रीज़न बताता हूँ। कहने को तो ये कन्फेशन है, यहाँ पे हम कन्फेशन को पढ़ते हैं, बट कन्फेशन क्या है? इट इज़ ए पार्ट ऑफ एडमिशन, दिस इज आल्सो एडमिशन। एडमिशन एक स्पीशीज है और कन्फेशन उसका पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है, देखिए, अगर सिविल केस में कोई किसी स्टेटमेंट को देता है और वो वहाँ पे एडमिशन के तौर पे ली जाती है, उसे एडमिशन कहते हैं, और क्रिमिनल केसेस में उसे ही हम कन्फेशन कह देते हैं। बट ऑल द कन्फेशंस आर द एडमिशंस, बट ऑल द एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन। बस इस लाइन को आप याद रखिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एडमिशन की डेफिनेशन के बारे में, और हमारा जो आज का स्टडी प्लान रहेगा वो रहेगा कि सबसे पहले व्हाट इज एडमिशन, टाइप ऑफ एडमिशन, हु कैन मेक द एडमिशन, कैन एडमिशन कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द मेकर, एंड द एविडेंसरी वैल्यू ऑफ द एडमिशन। दिस इज ऑल अबाउट एडमिशन, एंड इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एज पर द पॉइंट ऑफ मेंस एग्जाम के बारे में हम बात करेंगे कि मेंस में अगर एडमिशन के बारे में आते हैं अलग अलग क्वेश्चंस, तो हम कैसे कैसे उसको देंगे। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको एडमिशन क्लियर हो सके। देखिए, सबसे पहले एडमिशन की हम बात कर लेते हैं कि एडमिशन क्या है। अकॉर्डिंग टू जॉन स्टीफन कौन थे भाई? जिन्होंने आपका इंडियन एविडेंस एक्ट लिखा था। इन्होंने क्या कहा था कि एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, ओरल और रिटर्न, सजेस्टिंग एन इन्फेरेंस। ये जो वर्ड है ना फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है आपका फॉर द डेफिनेशन ऑफ एडमिशन। इन्फेरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का अनुमान लगाना, एज टू एनी फैक्ट इन इशू और रिलिवेंट फैक्ट मेड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पार्टी टू एनी प्रोसीडिंग्स। इन्होंने कहा था कि भाई देखो, एडमिशन क्या है? एडमिशन एक स्टेटमेंट है जो ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है, और जो क्या करती है, एक इन्फेरेंस के लिए सजेस्ट करती है, एक अनुमान का अंदेशा देती है किसी भी फैक्ट इन इशू के बारे में या किसी रिलेवेंट फैक्ट के बारे में। और इसे कौन करता है? या तो पार्टी स्वयं करती है, उसके बिहाफ पे कोई दूसरा व्यक्ति करता है जो प्रोसीडिंग्स में है, यानी कि उसका एजेंट हो सकता है। तो ये जॉन स्टीफन की है। अगर क्वेश्चन आता है एडमिशन के बारे में, तो यू कैन स्टार्ट योर क्वेश्चन विद दिस डेफिनेशन। आगे चलते हैं। अभी हम सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इट डिफाइंस द एडमिशन। तो इसके हिसाब से क्या है कि एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट। देखिए, जो मैं आप जो बात कर रहा हूँ, वो बेयर एक्ट के लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। आप लिखेंगे सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट स्टेट्स दैट, कि एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, ठीक है, ये आपका पहला हो गया, ओरल और डॉक्यूमेंट्री और कंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है ना, ये आपका आईटी एक्ट जो आपका आया था 2000 का, उसमें इंसर्ट किया गया था ये जो आपका कंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। विच सजेस्ट एनी इन्फेरेंस, इन्फेरेंस को मैंने इसलिए बोल्ड किया है कि दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये लाइन आपको याद रखनी ही रखनी है, एज टू एनी फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट। भी फैक्ट इन इशू के बारे में या रिलीवेंट फैक्ट के बारे में अगर कोई स्टेटमेंट करता है और वो स्टेटमेंट ओरल, डॉक्यूमेंट्री या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, जो क्या करती है, एक सजेशन देती है, इन्फेरेंस का एक अनुमान लगाने का अंदेशा देती है कि, और किसके द्वारा की जाती है, मेड बाई एनी ऑफ द पर्सनस एंड अंडर द सर्कमस्टांसिस हेयर इन आफ्टर मेंशनड। यहाँ तक आपकी जो डेफिनेशन दे रखी है, ये बेयर एक्ट में दी हुई है। ये भी वही बात कह रहा है कि एडमिशन एक स्टेटमेंट है जो ओरल, डॉक्यूमेंट्री या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकती है, और जो एक इन्फेरेंस सजेस्ट करती है
रिगार्डिंग दी फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट, और इट इज़ मेड बाई कौन कर सकता है, एनी ऑफ द पर्सन एंड अंडर दी सर्कमस्टांसिस हेयर एंड आफ्टर मैंशन। कहाँ से कहाँ, सेक्शन 18 से 20 आपको बताएंगे थे कि कौन कर सकता है, हु कैन मेक दी एडमिशंस। देखिए डेफिनेशन हो गई है, तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अभी एडमिशन को समझते हैं कि एडमिशन की टाइप कितनी है। भाई एडमिशन कितने तरह का होता है, तो भाई एडमिशन जो है दो तरह का होता है। एक आपका जिसको बोलते हैं हम जुडिशियल एडमिशन, या फिर इसको हम फॉर्मल एडमिशन भी बोलते हैं, ठीक है। और एक आपका होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन, इसको हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल एडमिशन भी बोला जाता है। तो आपको दोनों टाइप समझ में आ गई, दो टाइप होनी चाहिए। अब इन टाइप्स के डिफरेंस को समझेंगे। नाउ हम एक छोटा सा क्वेश्चन और साथ में कर लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल एडमिशन एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन, दोनों में डिफरेंस क्या है, हम उसके बारे में यहाँ बात कर लेंगे। चलिए डिफरेंस को समझते हैं। एक जुडिशियल एडमिशन एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन। भाई जुडिशियल एडमिशन क्या है, दीज आर दी फॉर्मल एडमिशन, वाइल एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन आर दी इनफॉर्मल एडमिशन। दीज आर मेड बाई ए पार्टी टू द प्रोसीडिंग ऑफ केस एंड दीज आर नॉट अपियरिंग ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द केस। ये किसी भी ऐसे व्यक्ति थर्ड पर्सन के सामने किया जा सकता है। दीज आर फुल्ली बाइंडिंग ऑन द पार्टी हु मेक्स देम। भाई जो पार्टी जुडिशियल एडमिशन करती है किसी प्रोसीडिंग के दौरान, जुडिशियल एडमिशन होते हैं जो किसी जज साहब के सामने इन द कोर्ट जो पार्टीज एडमिशन करती हैं, दो जार नोन है जुडिशियल एडमिशन। और जो कोर्ट के बाहर किए जाते हैं उन्हें बोला जाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन। मान लीजिए अभी आपने कन्वर्सेशन के द्वारा फ्लो में या सीक्रेसी के तौर पर किसी थर्ड पर्सन के सामने एडमिशन कर लिया, तो उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन कहते हैं। इन द फॉर्म ऑफ द एविडेंस, ये जो है आपका स्ट्रॉन्ग एविडेंस कहलाता है, ठीक है, जबकि ये उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लेस स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए कहते हैं कि ये फुल्ली बाइंडिंग होता है, कि ये बाइंडिंग तो होते हैं लेकिन पार्शियली होते हैं, एंड नॉट फुल्ली एक्सेप्ट इन केस वी आर दे ऑपरेट एज और हैव टू द इफेक्ट स्टॉपिंग इन दैट केस मे बी दे आर ड्यूली बाइंडिंग। अगर जहाँ स्टॉपल क्रिएट कर देते हैं वहाँ पे ये फुल्ली बाइंडिंग हो जाते हैं, लेकिन इसको क्या है, इनको प्रूव करने के लिए आपको कॉर्बोरेट करना पड़ेगा, कॉर्बोरेशन में आपको एविडेंस चाहिएगा। हम कहाँ पे प्रूव करते हैं कॉर्बोरेशन, 157 में, 157, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि भाई ये माना जाता है कि अगर जुडिशियल एडमिशन कोई कर दिया गया है तो इट इज़ ए वेल सेटल्ड प्रिंसिपल दैट इज़ ट्रू, जब तक कि सामने वाली पार्टी उसको कॉन्ट्रेरी डिस्प्रूव नहीं कर देती तब तक वो प्रूव है। तो देखिए सेक्शन 58 अगर आप पढ़ते हैं तो जुडिशियल एडमिशंस आर एडमिशिबल अंडर सेक्शन 58 ऑफ द एक्ट एंड आर सब्सटेंटिव एविडेंस। यू गॉट माय पॉइंट। अभी इसको हम दो केस लॉ से समझेंगे तो आपको चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। नाउ वी विल सी अ केस, नागिनदास वर्सेज दलपत राम इच्छाराम। देखिए नाम ही कितना प्यारा है, नाम से आपको याद हो जाएगा। ये जुडिशियल एडमिशन की बात करता है, यहाँ पे जुडिशियल एडमिशन की। मैं पहले इस केस की एक स्टोरी बता देता हूँ आपको, इस केस में हुआ क्या था। ये मुंबई का एक एक्ट था, मुंबई रेंट कंट्रोल एक्ट, उसमें रेंट इक्वेशन का मामला था। तो जो दलपत राम साहब थे टेनेंट थे नागिनदास रामदास के यहाँ पे, तो भाई ये नागिन रामदास ने इविक्शन के लिए इन पर मुकदमा दायर कर दिया। तो ये दलपत राम जी क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कोर्ट में और एक डिक्री पास करा लेते हैं ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ में, कि ठीक है ऑन अ सो एंड सो स्टेटेड डेट मैं इनके घर को खाली कर दूंगा। लेकिन बाद में भैया मुकर जाते हैं, मना कर देते हैं। तो जब बाद में मुकर जाते हैं तो उस केस में क्या होगा, तो आर एस सकारिया साहब थे जस्टिस वहाँ पे। जस्टिस कौन थे, जस्टिस आर एस सकारिया साहब का दिया हुआ डिसीजन है ये। उन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि भाई ही एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इट स्टेटिंग दैट इफ द एडमिशंस आर ट्रू एंड क्लियर दे आर द बेस्ट प्रूफ ऑफ द फैक्ट्स एडमिटेड। एडमिशंस इन द प्लीडिंग्स और जुडिशियल एडमिशन एडमिशिबल अंडर सेक्शन 58 मेड बाय द पार्टीज और देयर एजेंट्स एट और बिफोर द हियरिंग ऑफ द केस। भाई देखिए यहाँ पे दलपत राम साहब ने क्या एडमिट कर लिया था
कि भाई नागिनदास साहब जो है लैंडलॉर्ड है उनको घर चाहिए, या उन्होंने एडमिट कर ली थी कि घर उनका उनका पोजीशन उनके पास जाना चाहिए। फिर बाद में वो एग्री हो जाते हैं कि ठीक है मैं खाली कर भी दूंगा, लेकिन फिर वो मुकर जाते हैं। तो उनका जो फॉर्मर एडमिशन था वो एक जुडिशियल एडमिशन था, क्योंकि वो कोर्ट प्रोसीडिंग उन्होंने किया था तो उनके ऊपर फुल्ली बाइंडिंग होगा अंडर सेक्शन 58 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये केस तो हो गया आपका जुडिशियल एडमिशन का। अभी हम बात कर लेते हैं, देखिए एक डॉक्टर साहब एक पेशेंट के पास हैं, अगर कोई एक्यूज्ड है मर्डर का और वो इंजरी से सस्टेन कर जाता है और वो डॉक्टर से अपना एडमिशन करता है डॉक्टर के सामने, तो भाई उस केस में क्या होगा? तो एक अमीनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला ये केस आया था। ये इस केस में क्या कहा गया था कि अगर डॉक्टर के सामने किया गया जो एडमिशन है ना भाई, वो क्या माना जाएगा? दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन। क्या माना जाएगा? एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन माना जाएगा वहाँ पे वो। अभी आगे चलते हैं भैया, आपने दो तरह के एडमिशन की बात की, एक में आपने कहा कि जुडिशियल एडमिशन, एक आपने कहा एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन। अब ये बताइए क्या साइलेंस में अमाउंट टू एडमिशन, यानी कि साइलेंस या फिर जो आपका कंडक्ट होता है ठीक है, क्या ये भी आपका एडमिशन हो सकता है? तो उस केस में देखिए क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट केस मायो वर्सेस मायो, जो बात करता है कि साइलेंस, देखिए जहाँ पे आप यू आर हाइडिंग समथिंग एंड यू आर डोंट एंड नॉट सेइंग एनीथिंग एट दैट टाइम आपका जो कंडक्ट है साइलेंस है वो एडमिशन माना जाएगा। हुआ क्या था यहाँ पे कि एक लेडीज़ थी, ऑस्ट्रेलिया का केस है ये, इन मैम साहब ने क्या किया कि अपने बच्चे का क्या करा रही थी, बर्थ ऑफ हर चाइल्ड रजिस्ट्रेशन करा रही थी, लेकिन वहाँ पे वो क्या की कि उन लड़के के फादर का नाम उन्होंने नहीं लिखा। भाई हो सकता है वो डिस्क्लोज ना करना चाहती हूँ, इलेजिटिमेट बच्चा हो, तो भाई वो वट एवर उसका कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन इस पर उसने कुछ नहीं बोला और ना ही उसका कोई प्रोफेशन लिखा। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा था कि आइदर सी डिड नॉट नो हु द फादर वॉज, या तो उसे पता नहीं है कि लड़के का पिता कौन है, या सी वॉज एडमिटिंग दैट द चाइल्ड इज इलेजिटिमेट, वो इस बात को एडमिट कर रही है, उसका एडमिशन हो गया, साइलेंस रहना चुप रहना कंडक्ट हो में उसके इस बात को शो करता है कि वो इस बात को एडमिट कर रही है कि या तो उसको पता नहीं है या जो लड़का है वो इलेजिटिमेट है। इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि भी जो एडमिशन है आपका साइलेंस में आल्सो अमाउंट टू एन एडमिशन। बड़ी अच्छी लाइन है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ कि एक्शंस ऑफ अ पर्सन ऑफन स्पीक लाउडर देन इज वर्ड, ये नोट कर लीजिएगा कि एक्शन ऑफ अ पर्सन ऑफन स्पीक्स लाउडर देन हिज वर्ड्स, कभी कभी आदमी की भाव भंगिमाएं उसके शब्दों से ज़्यादा बयां करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की जुडिशियल एडमिशन क्या होता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन क्या होता है, और क्या साइलेंस जो है कंडक्ट है वो भी एडमिशन हो सकता है। तो ये तीनों टाइप देखिए आपने समझ ली कि एडमिशन कैसे कैसे हो सकता है। अभी हम देखते हैं कि एडमिशन कर कौन सकता है भाई, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि एडमिशन करेगा कौन। तो भाई देखिए जो पार्टी टू द प्रोसीडिंग है सेक्शन 18 में बताया है कि एनी पार्टी टू द प्रोसीडिंग, कोई भी ऐसा एजेंट जो पार्टी ने ऑथराइज किया है, ये भी आपके सेक्शन 18 में आता है, वो भी यहाँ पे एडमिशन कर सकता है। सूटर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, ये भी आपके सेक्शन 18 में बताया गया है, अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में मुकदमा करने वाला है तो वो भी एडमिशन कर सकता है। पर्सन हैविंग प्रोप्राइटरी और पिक्यूनरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, अगर किसी का कोई इंटरेस्ट है वहाँ पे, ठीक है, पिक्यूनरी हो सकता है प्रोप्राइटरी हो सकता है, तो वो भी वहाँ पे जो है कर सकता है। ये थर्ड पार्टी की बात कर रहा है दोनों, ये दोनों क्या कर रहा है, थर्ड पार्टी की बात कर रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे कोई इंटरेस्ट डिराइव किया गया हो वो भी यहाँ पे एडमिशन कर सकता है, जिसके जिससे कोई इंटरेस्ट डिराइव हो रहा हो, ये भी क्या आ जाता है, ये भी आपका सेक्शन 18 का पार्ट है। अभी देखिए कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी लायबिलिटी या नेसेसरी है प्रूव करनी उसी के खिलाफ, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा,
तो भाई उस केस में भी आप एडमिशन दिया जा सकता है। या फिर ये सेक्शन 19 हो गया, या फिर पर्सन टू हुम पार्टी टू द सूट हैज बीन एक्सप्रेसली रेफर्ड। अभी मान लीजिए आप ए के पास गए कि यार ये घोड़ा बताओ मुझे कैसा है, तो ए ने कहा, बी ने पूछा ए से कि बताओ मेरा घोड़ा कैसा है, ए बोला भाई साहब आप सी के पास जाके पूछ लो, तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेसली रेफर्ड हो गया। तो ये सारे हैं जो एडमिशन कर सकते हैं, हु कैन मेक एडमिशन, इसीलिए बताया गया हेयर इन आफ्टर मैंसन, यानी कि सेक्शन 18, 19 और 20। अभी हम बात करते हैं कि क्या वेदर एन एडमिशन मेड बाई ए पार्टी कैन बी यूटिलाइज अगेंस्ट हिम विदाउट इट्स बींग पुट टू हिम इन दी विटनेस बॉक्स। तो भैया इसके लिए ना बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, फरम मलिक देशराज वर्सेस फरम प्यारा लाल आयाराम, 1946 का एक केस है। दूसरा सेम केस है भारत सिंह वर्सेस मास्टर भागीरथी, ये दोनों ही केस यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब इन केस की स्टोरी को सुनते हैं थोड़ा सा, किस केस में क्या बात की गई है। इनमें कहा गया था दोनों केसेस में कि भी जो एडमिशंस हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं, दे आर टू बी यूज अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग देम, बट एडमिशन क्या है, दे आर द सब्सटेंटिव एविडेंस बाय देमसेल्फ। ये हमने कहाँ देखा, सेक्शन 17 एंड सेक्शन 21 इसी की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो एविडेंस है वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ तो नहीं कह सकते आप उनको, क्योंकि कॉन्क्लूसिव प्रूफ क्या होते हैं, जिनके को डिसप्रूव करने के लिए आप एविडेंस दे ही नहीं सकते। बट ये अगर कंट्रेरी स्टेट प्रूव कर पाती है अपोजिट पार्टी, तो भाई वहाँ पे इनको डिसप्रूव भी किया जा सकता है। तो दे आर नॉट द कॉन्क्लूसिव प्रूफ बट दे आर सब्सटेंटिव एविडेंस। ये दोनों केसेस में यहाँ पे कहा गया था कि यस द एविडेंस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट, क्योंकि देखिए जो एविडेंस होता है दे आर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर। ये हमेशा याद रखिएगा कि एविडेंस आर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेकर, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माई डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको एडमिशन क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही हम कन्फेशन और एडमिशन दोनों के वीडियो हमने एक साथ बनाए हैं, सो दैट आप कन्फेशन और एडमिशन का डिफरेंस अच्छे से समझ पाएँ। तो आप इसके लिंक, जो कन्फेशन वाला वीडियो का लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे भी आप एक बार देख लें। चैनल तो आपने सब्सक्राइब 100% कर ही लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास इस बात का। अगर आप चाहें तो मुझे मेल भी कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। वीडियोज़ को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।